इंस्पेक्टर शमशेर सिंह रिपोर्टिंग मैम। कौन कहता है पुलिस टाइम पे नहीं आती? 9:30 का शो है, 9:29 में मैं इधर हूँ। अगर उसके बावजूद भी लेट हो जाऊं तो समझ लो ये जो सुपरस्टार सिंगर वाले इनका कसूर है। एक मिनट, फोन आ रहा है। हेलो, हाँ जी, ये हैं जनाब, चोर भाग रहा है, कोई बात नहीं, उसको उसको बोलो गोल्ड मेडल लेके आना है। अच्छा, मैराथन नहीं भाग रहा तो फिर क्या फायदा, उसकी किडनी पे 3 मुक्के मार के वापस जेल में डालो उसे। हाँ, उसके पास बंदूक भी है। अच्छा, कोई निकल रहा होगा उधर, तुम मदद मांगो किसी से। देखो, खोपचा देख के छुप जाओ। हाँ, चोर चक्के बड़े घूम रहे हैं, पुलिस नहीं कम होनी चाहिए। छुप जाओ, छुप जाओ, चलो। अर्चना जी। हाँ जी। आप यकीन नहीं करेंगे मुझे, 4 हवलदार और 1 कुत्ता दिया डिपार्टमेंट ने। हाँ? आप यकीन नहीं करेंगे, इतना वफादार कुत्ता है, मैंने 4 बार बेचा उसको, घूम फिर के वापस आ जाता है, इतना वफादार है। लेकिन ये जो हवलदार हैं, ये बिल्कुल भी लॉयल नहीं है। अच्छा? 2 हवलदार तो मेरे नीचे काम करते थे, SP बन गए, अब मुझे उनको सलूट मारना पड़ रहा है। कोई लॉयल्टी नाम की चीज ही नहीं। वैसे मैंने पुलिस की नौकरी के लिए बड़ी मेहनत की अर्चना जी। अच्छा? मैं जब भर्ती होने गया, मुझे कहते दौड़ के दिखाओ। हाँ? मैंने फिर एक औरत की चैन खींची, भाग गया, इंस्पिरेशन चाहिए ना भागने के लिए। उसके बाद मुझे कहते छाती बुलाओ, मैंने छाती बुलाई, कहते और बुलाओ, मैंने कहा मैंने वर्दी पहननी कि ब्लाउज पहनना है, मतलब। लेकिन अर्चना जी, मैं आपको बताऊं, पुलिस की नौकरी बड़ी टफ है, स्पेशली ये जो होते हैं ना अपना ड्रिंक एंड ड्राइव वाले। हाँ? हमें ड्रिंक एंड ड्राइव को रोकने के लिए लोगों के मुंह सूंघने पड़ते हैं। हाँ? अलग अलग लोगों के मुंह सूंघ के ना हमारे अपने मुंह से मिक्स कॉकटेल की स्मेल आने लगती है। इतनी स्मेल आती है, फिर हमारी बीवी हमें मुंह नहीं लगाती। वो तो शुक्र है मेरी दूर की नजर गंदी है तो मेरे 2 बच्चे हो गए, वरना वेरी टफ। ईमानदारी मुझ में बड़ी कूट कूट के भरी है। आप यकीन नहीं करेंगी, एक बार मुझे टाइम बम मिला, मैंने टाइम बम में से घड़ी उतार ली और बम मैंने थाने में जमा करा दिया। तो मैं घड़ी का टाइम सेट कर रहा था, उधर बम फट गया, पता नहीं कैसे, मेरे को समझ में नहीं आया। अच्छा, बम फटा, 4 दीवारें थाने की और 2 हवलदार गायब। चलो, दीवारें तो चलो सीमेंट की, मिट्टी की, हवलदारों को तो बता के जाना चाहिए था ना। इनडिसिप्लिन लोग, हमारी पुलिस डिजिटल हो गई है। हाँ, जो रिपोर्ट वगैरह होती है हम लोग ऑनलाइन लिख लेते हैं। हाँ, डंडा मारने हमें खुद जाना पड़ता है। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे थाने में CCTV कैमरा लगे हुए थे। अच्छा, अच्छा, एक दिन CCTV कैमरा चोरी हो गया। हमने फुटेज चेक की, हमारे 4 अपने हवलदार पकड़े गए। इतना काम खराब, हमने उतरवा दी एक्चुअली, कहते तो हम सारे पकड़े जाएंगे। कमाल है। अच्छा, पब्लिक को पता नहीं पुलिस के पेट से क्या परेशानी है। हाँ? जिसका थोड़ा सा पेट बाहर आ जाए, कहते उनका पेट अंदर होना चाहिए, भी हमारा पेट के हाईवे के बीच में आ रहा है कि जो ट्रैफिक जाम हो रहा। कमाल है, पुलिस से आपको उतना डरना चाहिए जितना आप अपनी पत्नी से डरते हो। ओ, और प्यार भी उतना ही करना चाहिए जितना आप अपनी पड़ोसन से करते हो, तब आपको पुलिस अच्छी लगेगी। वैसे भी पुलिस और पत्नी जो होती है, दोनों की राशि एक होती है, दोनों ही आदमी को शक की नजर से देखते हैं। अच्छा? पुलिस जो होती है अपने रिमांड से मारती है, पत्नी जो होती है अपने डिमांड से मारती है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब। आप तो मुझे पहले से डबल नजर आती थी। क्या दारू पिलाई आपने? वाह, मजा आ गया, ये भी डबल डबल नजर आ रही है। ए, तुम लोग मुझे डबल कैसे दिख रही हो? डबल, मैं तो सिंगल हूँ। गुड न्यूज, मैं भी सिंगल हूँ। चलो फिर दोनों मिंगल हो जाते हैं, उसके बाद छोटे छोटे जिंगल करेंगे। वैसे आपको काम क्या है? सर, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। रिपोर्ट लिखवानी? किसको लिखवानी, तुमको या इसको? मुझे लिखवानी है, इसका पता नहीं। एक मिनट, एक एक करके बताओ, कानून सबकी मदद करेगा, किसकी? सबकी नहीं, मेरी मेरी मदद कीजिए। तुम दोनों हॉस्पिटल में हुई थी कि फोटोकॉपी दुकान में हुई थी? दोनों में से ओरिजिनल कौन है? ओरिजिनल तो मैं ही हूँ, इसका पता नहीं। इसका किसका किसका उसको उसको क्या है ये? आप मेरी रिपोर्ट लिखेंगे कि नहीं? क्या है रिपोर्ट, बताइए। वो ना, मेरा बेबी गुम हो गया है। मुझे भी प्यार से लोग बेबी कहते हैं, मुझे ले जाओ। अरे बॉयफ्रेंड
वाला बेबी नहीं, मेरा फोन। बॉयफ्रेंड तो वैसे भी सिम कार्ड की तरह होते हैं, एक जाता है तो दूसरा आ जाता है, लेकिन फोन नहीं। वाह, अभी क्या चाहिए तुम्हें, बॉयफ्रेंड चाहिए कि फोन चाहिए? ऑफ कोर्स फोन। बस इतनी सी बात, मिस कॉल मारो मिल जाएगा। फोन नहीं है, मिस कॉल कैसे मारूं? लोग यहाँ पे बैठे बैठे लोगों की कुर्सियां मार लेते, तुमसे मिस कॉल नहीं मारी जा रही। अरे यहाँ मेरा फोन खो गया और आपको मजाक सूझ रहा है? यहाँ मजाक सूझना पड़ता है। हाँ, तुम्हें भी सूझना पड़ेगा दो तीन दिन बाद। हर बार डबल रोल नहीं चलेगा, नहीं तो आदमी को निकाल देते हैं ये। वैसे तुम दोनों में से किसका फोन खोया है? मेरा खोया है, इसका पता नहीं। इसका उसको पता नहीं, उसका इसको पता नहीं, किसी का किसी को पता नहीं। मुझे तुम्हारा फोन नंबर पता नहीं है। मैं किसी भी अनजान को अपना नंबर नहीं देती। अनजान की तुम सिर्फ जान समझ के दे दो। नंबर बोलो अपना। 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5। मेरा फोन आपकी जेब में बज रहा है, क्या है ये? डर, पुलिस का डर। चोर डर के मारे पहले मेरी जेब में डाल गया। सब समझ आ गया इंस्पेक्टर साहब? सब समझ में आ गया ना? तो अपनी मर्जी से जो भी डालना, अपनी श्रद्धा से मेरी जेब में डाल दो। चलो शट अप। इनकी अंग्रेजी खराब है, इनकी अंग्रेजी खराब है। आई लव यू की जगह शट अप बोल के जा रही हूँ। होता है कभी कभी बरसात के मौसम में अंग्रेजी को फंगस लग जाती है। होए होए होए, कानून के हाथों से भी लंबी लड़की। वैसे तो कानून को हाथों में लेना मना है, पर आप चाहे तो मुझे भाव में ले सकती हैं। शट अप। ए थैंक यू। मेरे शट अप का है। आई अंडरस्टैंड। अभी मैंने कहा ना आपको बरसात के मौसम में अंग्रेजी को थोड़ी फंगस लग जाती है। हाँ, तो आई लव यू बोलना चाहो तो शट अप निकलता है। बकवास बंद करो, कप्पू का है यार। तो कप्पू को मारू गोली, आप छोड़ो बड़ा, आप हमारे साथ रहिए। वैसे भी आप किसी और के साथ रहेंगी तो हीरोइन रखने के इल्जाम में अरेस्ट हो जाएगा। बैठ के बातें करते आइए। देखिए आप ना मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए फिर सीधे डेट पे चलते हैं, किसी रेस्टोरेंट पे। मेरे पास ना डेटे नहीं है, मैंने फिल्मों को दे रखी है। एक आध डेट पुलिस वाले को भी दे दो, हमारा भला हो जाएगा। भला कैसे हो जाएगा? वो आप इतनी लंबी हैं, देख के बता सकती हैं कि अपराधी कहाँ तक भाग गए, हम पकड़ लेंगे जाके। करीना नकली वाली बात, मुझे ना डाउट हो रहा है आप असली पुलिस वाले हैं भी कि नहीं। मैं दिखाती हूँ कैसी होती है पुलिस, मेरे साथ आइए पटियाला की पुलिस। पटियाला पुलिस नहीं होती, पटियाला पैक होता है, दो मारो चार दिखते, मेरे को पता है मैंने लगाए हुए। बोल रहा है तुम्हें चार मारेंगे तुम्हें आठ दिखेंगे। पुलिस, आप पुलिस बुलाएंगी तो आप आंटी हो जाएंगी, आपने सुना होगा वो। आंटी पुलिस बुला लेगी। शट अप। अरे थाड़ीदार साहब कहाँ हैं आप? आप लड़की को परेशान कर रहे हो? नहीं। आप तो पुलिस को बुला रही थी। हाँ, तो ये तो सरदार जी हैं। देखो आई लव सरदार जी, मुझे सरदार जी का डर नहीं है, सरदार जी का डर इनको है। क्योंकि अगर सरदार जी वापस आ जाएंगे तो इनकी कुर्सी जाएगी। आप वैसे इनकी पर्सनल सिक्योरिटी में लगे हुए? हाँ, लगा हुआ। आप कहाँ लगे हुए? आपके आने से पहले तो मैं इनके साथ फ्लर्ट में लगा हुआ था। वैसे मैं सस्पेंड चल रहा हूँ। और अगर आप ऐसी बातें करते रहे तो आप नौकरी से निकल भी सकते हैं, समझे? आप ऐसा ना करिएगा, मेरे होने वाले बच्चे हैं छे छे। होने वाले बच्चे? आप मैडम के साथ रहिए, मैं कपूर शर्मा को भेजता हूँ। गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? एक बार जोरदार तालियां दिलजीत साहब के लिए और प्रीति के लिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.